अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे रमजान ट्रांसमिशन का सबसे पहला एपिसोड है और हमारी मुलाकात होगी हर रोज इस रमजान प्रोग्राम में। मैं आपके लिए बहुत सारी मुख्तलिफ डिशेज बनाऊंगी, लेकिन एक ट्विस्ट भी। हर प्रोग्राम में एक सवाल होगा जिसका जवाब आप बजरिए SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। आज का सवाल है कि चाइना में चावल सबसे पहले कब काश्त हुए थे। इसका जवाब बजरिए SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। चलें अब प्रोग्राम पर। आज का मेन्यू है बहुत ही मजेदार। हम केएनएन लिवर से कलेजी बनाएंगे, उसके बाद एक बटर चिकन जिसमें हम टेंडर पॉप्स डालेंगे, डिजर्ट के लिए अंगूरों का एक बहुत ही लजीज डिजर्ट, और आखिर में एक ग्रेप फिज जो बहुत ही रिफ्रेशिंग और मजेदार ड्रिंक है। चलें जी शुरू करते हैं कलेजी के साथ। सबसे पहले आप कलेजी का पैकेट खोल लें और इसे एक बोल में निकाल लें। अगला स्टेप, आपने दो तीन चीजें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले एक टेबलस्पून अदरक का, उसे आप लंबा लंबा स्लाइस कर लें, लेकिन काफी बारीक रखें क्योंकि अदरक काफी बिटर होता है और उसको सही तरह पकाना जरूरी है। अदरक के बाद आप तीन पीस लहसुन लें और उनको बारीक चॉप कर दें। फिर दो तेज हरी मिर्चें लें और एक दरमियानी मिर्च, इनको भी आप स्लाइस कर लें। ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ ये इफ्तारी के टाइम पे बहुत ही मजेदार होती है और ये अगर आप फ्रेश फ्रेश बनाएंगे तो सब लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलें जी, अदरक लहसुन और हरी मिर्च तैयार, अब इसको हम फ्राई करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप फ्राइंग पैन को तेज आंच पे रख लें और इसमें एक टेबलस्पून मक्खन का डाल दें। ये मेरी नानी की रेसिपी है और वो हमेशा इफ्तारी पे मेरे लिए बनाती थी। अब हम मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट करें और ऊपर से एक टेबलस्पून जैतून के तेल का पैन में डाल दें। इससे ये होगा कि मक्खन जलेगा नहीं। जैसे मक्खन पिघल जाए आप अदरक को पैन में डाल दें। अदरक को हम थोड़ा सा पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। अच्छा जी, अब जैसे आप अदरक को तलेंगे इसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा और इस पॉइंट पे आप लहसुन को और थोड़ी सी हरी मिर्च को पैन में डाल दें। अब आपने लहसुन को हल्का सुनहरा करना है। अभी तक मैंने पैन में कोई मसाले नहीं डाले। जैसे लहसुन अपना रंग बदलना शुरू कर जाए आप कलेजी के पीस पैन में डाल दें। एक टाइम पे आप उतनी कलेजी फ्राई करें जितनी पैन में अलग अलग रहे। अगर एक टाइम पे आप बहुत सारी कलेजी डाल देंगे तो वो अनइवनली पकेगी, तो आप हर साइड को एक मिनट के लिए फ्राई करें और फिर पलट दें। ये देखें कितनी खूबसूरती से कलेजी अपना रंग बदल रही है। एक दफा पलटने के बाद आप ऊपर से एक बड़ी चुटकी नमक की पैन में डाल दें, एक चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा नींबू का जूस निचोड़ दें। फिर आप कलेजी को पलटते रहें जब तक सारा गुलाबीपन खत्म हो जाए और कलेजी का गोश्त रंग पकड़ ले।
आपने कलेजी को उस वक्त तक फ्राई करना है कि कलेजी का नेचुरल जूस निकले और वो भी आपके मक्खन मिक्स में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। ये बहुत ही मज़े की डिश है और अगर आप कलेजी को इतने सारे मसालों के साथ पकाएंगे तो आपके बच्चे भी बहुत ही मज़े से खाएंगे। देखें थोड़ी सी फ्राइंग के बाद कलेजी सुखड़नी शुरू हो गई है और इसका मतलब है कलेजी ने अपना पानी छोड़ दिया और वो अंदर तक पक रही है। अब कलेजी में एक ट्रिक है कि इसको आप ज़्यादा अगर पकाएंगे तो सख्त हो जाएगी, तो इस पॉइंट पे ये अपना पानी छोड़ दें और ये साइज़ में आधी हो गई है, आप आग थोड़ी सी कम कर दें और इसको कोई 2 से 3 मिनट तक फ्राई करते रहें लेकिन पलटते रहें। कलेजी को कभी भी डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, ये आप जरूर याद रखें। चलें जी, अब कलेजी को हमने 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिए, आग ऑफ करके आप ऊपर से थोड़ा सा और नींबू का जूस पैन में निचोड़ दें। इससे ये होगा कि उसका फ्लेवर कलेजी के अंदर जज्ब हो जाएगा और बिल्कुल एंड में छोटी चुटकी नमक की ऊपर से डाल दें क्योंकि इससे एक बहुत ही लजीज नमकीन कोटिंग बन जाएगी और आपकी कलेजी है रेडी। चलें जी, पहली डिश डन, अब बनाते हैं बटर चिकन। अच्छा जी, हमारी जो दूसरी डिश आज है वो है बटर चिकन यानी मखनी चिकन। आपने इसकी बहुत सारी वैरायटीज खाई होंगी, उसमें बहुत शोरबा होता है, काफी हैवी होती है। मैंने आज सोचा है कि हम एक मुख्तलिफ बटर चिकन बनाएंगे जो बहुत लाइट है और हेल्थी। इफ्तारी टाइम पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपको अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। पहली चीज़, ब्रेस्ट फिले, उसको पैकेट से निकाल लें और फिले में 2 स्लाइसेस बना दें। फिर हर स्लाइस को 4 दफा चॉप कर लें। इसके ऊपर आप एक चुटकी नमक छिड़क दें, एक चुटकी कुटी हुई लाल मिर्च, एक चुटकी धनिया और बहुत ही छोटी चुटकी हल्दी की और इसको मिक्स कर लें। मिक्स करके नेक्स्ट स्टेप, एक पीस लहसुन लंबा लंबा स्लाइस कर लें। लहसुन के बाद एक लाल मिर्च और एक हरी मिर्च लंबी लंबी स्लाइस कर लें। छोटी प्याज को आप आधे में काटते हैं और इसके भी लंबे लंबे स्लाइस कर लें। जब ये चीजें हो जाएं, आप एक छोटी पतीले में मक्खन को पिघलाएं। अब मैंने कहा है कि ये एक हेल्थी मखनी डिश है तो उसमें हम बहुत ज्यादा मक्खन ही डालेंगे, सिर्फ आधी टेबलस्पून। अब जैसे मक्खन पिघलना शुरू हो आप लहसुन को पैन में डाल दें और उसी के बाद प्याज को। इस डिश में ये ट्रिक है कि आप सब चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तो मक्खन का जो फ्लेवर है वो हर आइटम में जज्ब हो जाएगा। जैसे प्याज फ्राई होना शुरू हो जाए आप चिकन को लें और उसको पैन में डाल दें। चिकन को पैन में डालने के बाद आप ऊपर से 1 टीस्पून नमक का इसमें डाल देंगे। और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। फिर ऊपर से हम
इसमें 3 टेबलस्पून जैतून के तेल के डालेंगे। अब हमने नमक इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि मैंने पहले भी नमक डाला था इसके ऊपर, कि नमक चिकन को एक कोट करेगा, उसके अंदर जल्द हो जाएगा, और जो हम नमक ऊपर से डालेंगे वो जैतून के तेल को फ्लेवर देगा और वो मक्खन का मज़ा पकड़ेगा। चिकन को आप कोई 5 से 6 मिनट इसमें फ्राई करेंगे। फिर ढकना देकर इसको साइड पे 2 मिनट के लिए रखें, क्योंकि आपने इसमें एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट डाल दिया। और आज हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट है टेंडर पॉप्स। जी हाँ, अब ये टेंडर पॉप्स तो ज़्यादातर लोग अलग से खाते हैं, इनको फ्राई करके खाते हैं। आज मैंने सोचा हम चिकन मखनी में डाल के क्यों ना देखें कि क्या बनता है। ज़ाहिर सी बात है, ये टेस्ट ऑफ फ्यूजन है, यहाँ जायकों का मिलाप होता है, और हम भी ट्राई करें कोई मुख्तलिफ चीज़ बनाने। चलें जी, आप चिकन मखनी को वापस डालें आग के ऊपर, और टेंडर पॉप्स को आप आधे में तोड़कर इसमें शामिल कर दें। इसमें ये होगा कि ये जो गैस की जो टेंडर पॉप्स की बहुत ही मज़ेदार वाली कोटिंग है वो चिकन में जज्ब हो जाएगी, और उससे भी एक मखनी बटरी फ्लेवर आएगी। अब आप इनको सोटे करें। टेंडर पॉप डालने के बाद आप ऊपर से लाल मिर्च और हरी मिर्च पैन में डाल दें, और अब थोड़ा सा बटर का फ्लेवर ऊपर से, 1/2 टेबलस्पून आप लें और ऊपर से डाल दें। एक जैतून के तेल की ड्रिजल दे दें, यानी 1 टीस्पून। चीजों को मिक्स करें इस तरह। और आग से हटाकर ढकना दे दें, क्योंकि ये भाप में मुर्गी और पकेगी। चलें जी, ये हुआ हमारा स्पेशल बटर चिकन। अब हम बनाते हैं अंगूर का डिजर्ट। अच्छा जी, आज हम डिजर्ट बना रहे हैं, उसमें सबसे पहले जाएंगे अंगूर, जो बहुत ही फ्लेवरफुल है। इंडियन में बहुत सारी चीनी होती है, ये इफ्तारी के टाइम पे आपके लिए बेहतरीन है। इसके बाद इस डिजर्ट में जाएगी थोड़ी सी क्रीम, शहद, थोड़ी सी पनीर, डबल रोटी और थोड़ी सी चीनी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फ्राइंग पैन को आप तेज आंच पे रखते हैं। और इसमें 4 टेबलस्पून क्रीम के आप डाल दें। क्रीम में आप 3 टीस्पून चीनी के डाल दें। फिर आप चीनी और क्रीम को मिक्स करें। कोशिश करें कि क्रीम फटे ना और चीनी जल्द हो जाए। इसमें आपको लगेंगे कोई 3 से 4 मिनट। जैसे चीनी घुल जाए, अब जल्दी से एक डबल रोटी का पीस लें और इसके टुकड़े करके इसमें डाल दें। अच्छी तरह आप मिक्स करें। डबल रोटी फौरन ही क्रीम को पी जाएगी। वो जो कंडेंस मिल्क आपको कैंस में मिलते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, आपने वही चीज अपने फ्राइंग पैन में बनाई है। एक दफा डबल रोटी नरम हो जाए, इसको मिक्स करते रहें। आपने इसको थोड़ा सा सुखाना है। और फिर इसमें आपने कोई 2 टेबलस्पून अंगूर के डाल देने। आपने अंगूरों को तोड़ना नहीं है, उनको स्लाइस नहीं करना है, चॉप नहीं करना, उनको होल रखें, क्योंकि आखिर डिज़र्ट में बहुत अच्छे लगेंगे। अब आप इस मिक्स को थोड़ा सा पकाएं कि अंगूर नरम हो जाए। ऊपर से आप 1 टेबलस्पून क्रीम के और इसमें डाल दें।
और इस पॉइंट पे 2 टीस्पून पनीर के, तो जल्दी से मिक्स करें। देखें किस तरह मेरे चम्मच से डबल रोटी चिपक रही है। इस पॉइंट पे ये आ जाए, आप 2 टेबलस्पून शहद के अपने मिक्स में डाल दें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा जी, एक दफा शहद जज्ब हो जाए आप आग ऑफ कर दें और एक रैमेकिन ले लें। रैमेकिन एक ओवन डिश है, आप इसमें चीज़ें ओवन में भी पका सकते हैं और चीज़ें इसमें फ्रीज भी कर सकते हैं, और ये डिज़र्ट्स के लिए बहुत ही उम्दा है। इसमें आप अपना डिज़र्ट निकाल लें। और फिर चम्मच से उसको बिठा दें, कोशिश करें कि टॉप उसका बिल्कुल ईवन हो। एक दफ़ा आपने ये इवन कर दिया, आप इसको फ्रीजर में रख दें 10 मिनट के लिए और आखिर में आप इसको प्लेट पे निकालेंगे और थोड़ी सी क्रीम के साथ सर्व करेंगे। चलें जी, ये हुई हमारी डिज़र्ट। अब हम जल्दी से बनाते हैं एक ग्रेप फिज। ग्रेप फिज एक बहुत ही आसान ड्रिंक है। आप एक ब्लेंडर लें और उसमें आधा बंच अंगूर डाल दें और फिर आधा ग्लास सोडा और उसमें 3 टीस्पून शहद के, और 2 टीस्पून दही के, थोड़ी सी मुख्तलिफ ड्रिंक है, और फिर ब्लेंड। चलें जी, हमारी ग्रेप फिज भी तैयार, हमारा खाना भी तैयार। अब है टाइम प्लेट अप का। देखें जी, हमारा इफ्तारी मेन्यू रेडी। अब ये मखनी चिकन हमने अपने ही अंदाज से सर्व किए, अपनी मुनफरद रेसिपी के साथ। और ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसके साथ सैलड दिया है क्योंकि ये बहुत हेल्थी ऑप्शन होगा। इसमें जितने मसाले हैं, जितने मक्खन गया है, जितना जैतून का तेल गया है, अगर आप इसको सैलड के साथ खाएंगे तो ये बहुत लाइट रहेगा। और ये आप बहुत सारी तादाद में भी बना के रख सकते हैं, पहले से भी ये बना के रख सकते हैं। टेंडर पॉप्स अगर आप चाहें आप इस्तेमाल करें, मैं समझती हूँ कि इससे बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है, तो ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक भेजें। और कलेजी देखें कितनी खूबसूरत लग रही है प्लेट पे। जाहिर सी बात है आप इसको एक बड़ी डिश में भी बना के रख सकते हैं, इस पर धनिया भी डाल सकते हैं, और ये बहुत फ्लेवरफुल और आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके लिवर के लिए बहुत ही अच्छी है। इसमें बहुत सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और ये आयरन में बहुत स्ट्रांग है। और आखिर में हमारा ग्रेप डिज़र्ट, देखें कितना क्यूट सा ग्रेप डिज़र्ट है, ये बहुत ही लजीज है। इसमें शहद के फ्लेवर्स हैं, पनीर के फ्लेवर्स हैं, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी चीज़। और आखिर में ग्रेप फिज जो आप बनाना ना भूलिए, बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, इसमें बहुत सारी नेचुरल शुगर्स हैं जो इफ्तारी के टाइम पे आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। चलें जी, ये हुआ हमारा आज का इफ्तारी का मेन्यू। जाने से पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि उस सवाल का जवाब ना भेजना भूलिए, क्योंकि उससे आपको एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर मिल सकता है। अब हमारी मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।